ये हमारी आखिरी वीडियो है और आज हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए प्यारा सा वीडियो में। तो अभी देखिए, सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे पति देव जी भुजिया काट रहे हैं और आज बनेगा करेला आलू का। हमारे पास ये कटने वाला ना अच्छा चाकू है, मैं प्यार है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। एक चाकू देखिए अभी टूट गया यहाँ पे, अभी ये फिर क्विक लाया चाकू को जोड़ने के लिए। तो जुड़ा नहीं, जोड़े सुखा के जोड़ेंगे। अच्छा, तो अभी ये करेला आलू का भुजिया बनेगा। आज दाल बन गया है, दाल में आलू दिए थे दो, क्योंकि दो सिस्टर थी जो कल हमसे बात किए थे, तो वो बोली कि आलू का जो चोखा होता है उसका रेसिपी एक बार शेयर कीजिए। तो आज हम शेयर कर लेंगे आलू का चोखा का रेसिपी। यहाँ पे सुहाना पढ़ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा, सबका गुड मॉर्निंग, सबका प्रणाम। और अभी एक पार्सल भी रिसीव हुआ है आज, तो अभी खाना बना के ऊपर चलेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये क्या चीज आया है ना। बर्तन वर्तन धो के रख दिए हैं, सारा इसके किचन में पूरा तैयारी मैंने कर दिए हैं, भुजिया काट दिए हैं। मतलब सिर्फ बनाने का काम करती है बीमू जी, तैयारी का काम मैं कर देता हूँ, है ना। फिर भी काम नहीं हो रहा है। बीमू जी ने कमिटमेंट की हुई थी अपने चैनल पे कि डेली हमारा ब्लॉग आएंगे, अब से कितने बार वादा कर चुकी है, लेकिन एक बार भी नहीं। बोले कि एक ही चैनल पे ब्लॉग नहीं पूरा हो पाता है, तो दोनों चैनल पे क्या बनाओगे आप बोले। तो मैं अभी सोच रही हूं, तो एक ही चैनल पे नहीं पूरा हो पाता तो इस चैनल पे भी नहीं जा पाता है, इसका क्या सोल्यूशन होगा जी? अब इसका तो आप कर रहे शूट ना, तो आप फोन आपका हमेशा बिजी रहता है, आप फेसबुक पे काम करते रहते हो ना। अच्छा, वही देख रहे हैं कि मतलब जो ज्यादा फेसबुक पे काम कर रहे थे, हमेशा फेसबुक का वीडियो एडिट कर रहे होते हो, फोन बिजी रहता है ऑल टाइम। क्या कर, एक दूसरा फोन ले लो। तो वही चीज करेंगे, अगर दूसरा फोन होगा तो तब करेंगे। पक्का ना? दूसरा फोन है ही नहीं हमारे पास, दूसरा फोन आएगा तो पक्का करोगी ना। ये भी देखना है हमको कितना आप कमिटमेंट पे खड़े उतरती हो। देखिए यहाँ पे आलू को छील लिए, आलू को पहले बॉईल कर लेंगे। और ये किसके डिमांड पर आप दिखा रही हो? ये पाकिस्तान से दो बहन है। हाँ, पाकिस्तान के लोगों को जो है इंडियन खाना खाना है जी, तो उन्होंने बोली हुई थी कि चलिए हमको चोखा, हम तो आलू का चटनी बोलते हैं या चोखा भी बोलते हैं ना, उसका रेसिपी शेयर कीजिएगा। भरता बोलते हैं, भरता, भरता ही बोलते हैं। हाँ, आलू को बॉईल कर लिए क्योंकि हम दाल बनाए थे, दाल ही में डाल दिए थे तो उसी में बॉईल हो गया। इसके बाद छील लिए, फोड़ लिए, इसमें डाल दिए प्याज है ना काट के। और यहाँ पे अभी ये है मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा नमक, ये इसमें डाल देंगे। और अब इसमें लगाएंगे हम छौंक, जो कि मेन पार्ट है हमारा, है ना। छौंक के लिए करछुल लेना, इस चीज को हम हमारे इंडिया में करछुल कहते हैं। इसमें सरसों का तेल डालिएगा, अभी हमारा सरसों का तेल खत्म हो गया है तो इसलिए रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। इसलिए अभी रिफाइंड डाल दिए, कुछ भून भूनने के लिए किए थे सरसों का। ये है जीरा, थोड़ा सा जीरा, और ये लाल मिर्च, हरा मिर्च, चोखा कम है इसलिए कम डाल रहे हैं ये। मैं नाक बंद कर लेता हूँ, तुमसे छींक आ जाएगी। मैं नाक ही बंद कर लेता हूँ, ऐसे करना है। ये पक गया, इसमें डाल देते। वाह, अब इसको कुछ नहीं करना है, हाथों से इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये चोखा बन गया। धनिया है, धनिया डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया खत्म हो गया अभी, तो ऐसे ही इसको मिक्स कर लेंगे ना। तो दाल की छौंक भी हो गई है तैयार। आज के खाने में है आलू करेले का भुजिया, दाल, रोटी, चोखा और इसमें है चावल। इस तरह से दो उंगलियों की मदद से, नहीं सारी उंगलियों की मदद से इसको क्या करना है, पहले वो जो फोरन था उसको अच्छे से फोड़ लिए मिर्ची को, और अभी इस तरह से इसको सारा को मिक्स कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा आलू का चोखा जी। चलिए, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, खा के मिलते हैं ना। सबका खाना लगने जा रही है। सुहाना खा रही हो बेटा? हाँ सुहाना, कहाँ से डांट मिली है ना आज? डांट मिली ना सुहाना को? क्यों? गलती होता है इसीलिए। क्या क्या खा रही हो? दाल, चावल, चोखा। भुजिया नहीं पसंद? करेला का भुजिया नहीं पसंद? नहीं। करवा होता है? आलू का खाती हूँ। आलू का खाती हूँ। और यहाँ पे बीमू खा रही है दाल रोटी भुजिया चोखा आलू, आलू बिच बिच का दे रही भुजिया में से भी मुझे। चलो फटाफट से खा लो, काफी ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। खाना वाना खाने के बाद सीधा आ गए हम छत पर, और मेरे को हिचकी उठी है पता नहीं क्यों। और बीमू जी का ये लेवेंडर कलर की जो ये टी शर्ट है, स्वेट शर्ट, क्या शर्ट, स्वीट शर्ट, स्वीट शर्ट ये आ चुकी है।
जो कि आ चुका है। अभी मैं साड़ी पहनी हूँ आज, तो साड़ी पे ही इसको ट्राई की, क्योंकि समझ सकते हैं आप ठंड मौसम है अभी, कितना कपड़ा डिफेक्ट नहीं है ना। नहीं डिफेक्ट नहीं है, ये आपका भी आया था ना इनका, मुझसे भी थोड़ा सा डार्क कलर है देखिए, और काफी प्यारा है। काश ये फटा उटा नहीं होता तो अभी दोनों साथ में पहन लीजिए, आप फोटो वोटो खींच लेते। रिटर्न गया कि नहीं गया? हाँ नहीं, अभी रिटर्न में डाले हैं, बोले 2 जनवरी तक इसको ले जाएगा। तो जरूरी बात यह है दोस्तों कि ये हमारी आखिरी वीडियो है, और आज साल की आखिरी दिन है, तो इसलिए इस साल की 2023 की ये हमारी आखिरी वीडियो है। और आप सभी को कल है ना, कल न्यू ईयर है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे, आप मेरे को क्यों देख रही है? तो ये बात है दोस्तों कि देखिए, हमसे जलने वाले और जलने के लिए हमारे रिश्तेदार ही काफी है। इन दिनों मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ ये कि कोई ना मेरे इस YouTube चैनल पे फेक आईडी बना करके, मतलब फेक यूजर नेम बना करके निगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं मतलब इनसे इस चीज से आप ही समझ सकते हो दोस्तों कि जब हम उस चैनल पे जाते हैं ना, तो उस पे दिखता है कि ये जो चैनल है वो 2 दिन पहले क्रिएट किए है, कोई तो पहले, एक दिन पहले क्रिएट हुआ है, ऐसे ऐसे चैनल से हम। और क्रिएट करने के बाद सिर्फ हमको ही निगेटिव 2-3 कॉमेंट किया गया है, तो हम समझ जाते हैं कि कोई ये हमारे जान पहचान के है या ऐसे लोग है जिनमें इतनी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे सामने में मुंह पे बोल सके। इसलिए क्या करते हैं कि फेक नाम से यूजर आईडी क्रिएट करके हमारे यूट्यूब पे आके कॉमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, डिमोटिवेट करना चाहते हैं। तो उससे हम ये समझते हैं दोस्तों, आप सब इतना प्यार देते हो, इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, यही काफी है हमारे लिए। और जो भी ये बुरा कमेंट करते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आपके बुरे कमेंट से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसलिए वीडियो बनाना चाहते हैं। साल के आखिरी दिन है, साल के पहले दिन से आप लोगों में से बहुत लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे जानने वाले दोस्तों ने, कुछ पहचान वालों ने, कुछ हेटर्स ने भी बहुत कोशिश किया हमको, फर्स्ट में ही 2023 के जनवरी में ही कोशिश किया कि इनको मैं डिमोटिवेट कर दूं, इनको मैं यहीं पे रोक दूं। हम रुके क्या? यहाँ पे नहीं रुके। तो साल की आखिरी में आके ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ना हम 2023 में रुके, ना ही 24 में रुकने वाले हैं, बाकी बल्कि 24 में तो और भी कुछ अलग करने वाले हैं। अच्छे अच्छे मतलब बहुत चीज हमने सोचे हैं, वो सब करने वाले हैं। और क्योंकि आप सबको पता ही, और हम सबको पता है कि सबकी जिंदगी में पैसा की बहुत बड़ी अहमियत होती है, तो थोड़ा मोटिवेशन टाइप से भी आप देख लीजिए इस चीज को। देखिए, पैसा नहीं रहेगा तो न है तो हमारे घर में हमारे खुद की माँ बाप भी इज्जत नहीं करती है, तो दूसरों से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, पैसा कमाने के लिए कोई अच्छा ही काम करते हैं हम लोग, कोई बुरा काम तो नहीं करते, किसी की यहाँ स्कैम तो नहीं करते, किसी से हम जो किसी चीज के फ्रॉड तो नहीं करते हैं, हम किसी का मतलब कुछ ऐसा काम जो समाज के लिए गंदगी हो ऐसा तो नहीं करते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेट ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमने क्या किया हुआ है, लव मैरिज किया हुआ है, और लव मैरिज करने से कितनी दुख होती है, तकलीफ होती है, क्या क्या चीज का सेक्रीफाइसेस करना होता है, वो क्या क्या दिन देखना पड़ता है, वो चीज हम खुल कर सब आपके सामने रखते हैं। क्यों? अपने फैमिली को बदनाम करने के लिए, हम खुद को बदनाम करने के लिए नहीं, कि हमारे दुख तकलीफ से आप सीखो और जो गलती हमने की है वो आप ना करो, यही मोटिवेशन देने की हम रोज कोशिश करते रहते हैं। कई लोग मतलब देखिए, मतलब बहुत बहुत दूर से लोग हमसे बात करते हैं और यही कहते हैं, लड़कियां लोग भी बात करती है और कहती है कि दीदी आपसे हमको बहुत सीखने को मिलता है, आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसी से हमको बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है आपका ब्लॉग देखने में। कोई भी हम लोग ऐसे गंदे काम करते ही नहीं है, जिससे होता है ना कि एक समाज में गंदगी फैले या कुछ भी, ऐसे हम करते ही नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि हमारे साथ मेरे पापा जी जितने भी दुर्व्यवहार करते हैं हमारे फैमिली के साथ, उनको हम सोशल मीडिया पे क्यों लाए हैं पता है? सोशल मीडिया पे लाने से ये होता है कि बहुत सारे हमारे उस वीडियो पे कमेंट भी आए कि विकास भाई आप जो किए हो ना काफी अच्छा किए, इससे लोगों को सच्चाई मालूम पड़े कि सिर्फ बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, किसी किसी का पेरेंट्स भी गलत होते हैं, और ये चीज दुनिया को मालूम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई पेरेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो खुद तो दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं घर में, लेकिन बाहर अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं, कोई एक दो लोग, कि अपने पापा को बदनाम करते हैं। बदनाम नहीं करते हैं हम, बिल्कुल भी नहीं, ना ये कोई इंटेंशन रहते हैं, जो वो करते हैं हम वही शेयर करते हैं। अगर वो ऐसा बुराई नहीं करते, उतना अत्याचार हमारे साथ, मेरे माँ के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे बेटी के साथ, मेरे बीवी के साथ नहीं किए होते, तो क्या मैं आज उनके ऊपर ऐसा वीडियो बनाता? नहीं बनाता ना। इसलिए बनाया, मकसद था ये था कि और भी जो पेरेंट्स अगर कोई होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो वो अपने बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने से पहले 10 बार सोचे। मेरे यही मकसद था कि जो पेरेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे ना, वो सबके लिए कुछ ना कुछ ये मोटिवेशन सी रहती है, या सतर्क या चेतनादायक वीडियो ही रहते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आकर ये सारा चीज कहता हूँ, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या बीवी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे होंगे वो भी संभल जाए,
सुधर जाए कि आज विकास ने आवाज उठाया है, हो सकता है कल उन्हीं के बच्चे भी आवाज उठा सकते हैं, तो वो ऐसा काम ही नहीं करें जिनसे उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके बहू, उनके पोता पोती उनके खिलाफ जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरा नजरिया जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो मेरे हेटर्स उस चीज को समझते नहीं है और मेरे खिलाफ जाते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों। देखिए हम हैं सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, हमारा डेली लाइफ हम बहुत आम इंसान है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि कुछ लोग ना बहुत लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बहुत अनगिनत लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सब सफल नहीं हो पाते। हम भी उतने बड़े लेवल पर सफल नहीं हुए हैं, हाँ कमा लेते हैं, खा लेते हैं, सब परिवार सुखी संपन्न रह लेते हैं, इतना तक ही है, इससे आगे कुछ अचीव नहीं कर पाए आज तक। इनमें से क्या होता है, कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि विकास भाई हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, हमें। देखिए जिन जिन से हमारी बात हो पाती है हम मिलते हैं, सबको टाइम देते हैं उनको, जैसे कि इसी बीच में हम श्यामा माई मंदिर में मिले, सबसे मिले ना, वहीं में से हमको कुछ यूट्यूबर भी मिल गए, उनको चैनल भी हम प्रमोट कर दिए। लेकिन मैं हर कोई से, दो ही लोग है ना हम, इस चीज को कौन समझेगा। एक ये हमारे पर्सनल लाइफ भी है ना, बहुत काम होती है, हम लोग सबसे मैनेजर मैनेजर हम लोग इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं है कि हमारे मैनेजर रखेंगे, वो सब कुछ हमारे मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैनेजर भी रखे वो भी तो नहीं कर पाते हैं ना, नहीं कर पाते हैं सबसे बात, सबके रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से क्या होते हैं कि जो लोग अब रिप्लाई नहीं कर पाए किसी कारण, बस वो लोग हमको, हमसे हेट करने लगते हैं, ये तो बड़े यूट्यूबर हो गए, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, अरे ये तो ऐसे वैसे। तो वो क्या करेंगे, वो भी ऐसा काम करते हैं, या तो दूसरा आईडी क्रिएट करेंगे, या उसी आईडी से हमें नेगेटिव कमेंट करेंगे, या तो अपने यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, उस पर हमारे खिलाफ में वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो हम उन सब से यही कहना चाहते हैं कि ये साल की आखिरी दिन है और आप लोगों के लिए आखिरी हमारी तरफ से ये वीडियो है कि हम इसमें ये बता रहे हैं कि आप लोग जितना हेट फैला सकते हो फैलाओ, क्योंकि हम गलत नहीं है, ये हम जानते हैं, ऊपर वाला जानते हैं, और जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे YouTube रेगुलर देखते हैं, उनको पता है कि हम गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी आप लोग अपना जोर लगा लो हमें बदनाम करने की, हमें नेगेटिव कमेंट करने की। ना हम कल रुके थे, ना आज रुके हैं, ना कभी रुकने वाले हैं। आखिरी दिन जो है साल की 2023 की December 31, इसको विदा करते हैं। और इसी दिन में जितने भी लोगों को जाने अनजाने हमने बुरा भला कह दिया हो, या और आप सभी को किसी को हमारे शब्दों से दुख लग गया हो, तो बहुत सभी से हाथ जोड़ कर, देखिए दोस्तों दोनों हाथ जोड़ कर कान पकड़ कर माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिएगा, हम आपके अपने ही हैं। और हाँ, जो हमारे पीछे पड़े हैं हमको रोकने के लिए, हमारे काम में अड़चन डालने के लिए, तो उनको हम फिर से एक बार कह दे कि आपसे कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि जितने आईडी से भी आप हमको नेगेटिव कमेंट करते रहो, हम भी आपको ब्लॉक करते रहेंगे, क्योंकि जितने भी हमको कमेंट दिख जाते हैं, हम एक दो चांस देते हैं सुधरने का, हो सकता है वो नए होंगे तो एक दो चार वीडियो देखेंगे तो उनको शायद अच्छा लग जाए, इंसान को पहचानने की शक्ति होगी तो हमें पहचान लेंगे कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं। लेकिन फिर भी जब नहीं होते तब सीधा क्या करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं। और जो ब्लॉक करने से होता क्या है दोस्तों, उनका कमेंट ना हमको दिखता है, ना हमारे यूट्यूब पे किसी को दिखता है, सिर्फ वो कमेंट करते हैं और वो उनको ही दिखता है। तो जलने वाले जलते रहे, ठंड की मौसम है, जलना अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा ठंड कम लगेगा, बाकी गर्मी मौसम में इतना मत जलना, नहीं तो बुखार आ जाएगी, ठीक है। बस इतना है हमारा मकसद आज के इस वीडियो को बनाने का, और कुछ नहीं था। मेरी बेटी हंस रही है क्यों हंस रही है बताओ, यहाँ जलने वाले बातों के लिए क्यों हंस रही है बताओ। आपने जलने वाले बात करा, आपने बोला क्या, हाँ कि इतना मत जलना नहीं तो बुखार हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हमारे 2023 में आप लोगों ने बहुत अच्छी साथ निभाई है, 2024 में 24 में साथ निभाएगा इसी और अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना। इसी के साथ 2023 की ये आखिरी वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, और 2023 को भी बाय बाय करते हैं, और 2024 में मिलेंगे आप लोगों के साथ हम 2024 के नए वीडियो में, नए एनर्जी के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखें, और हाँ नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बाय बाय, फिर मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब, बाय।